एकदम स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार होंगे। टेक्सचर इनका ऐसा जैसे कि बिल्कुल मलाई, जैसे हलवाई दही बल्ले बनाते हैं उसी तरह से मैंने ये रेसिपी बनाई है। सारे टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। दही बल्ले बनाने के लिए मैंने एक कप सफ़ेद उड़द की दाल ली है। एक कप दाल से करीब 24 दही बल्ले बनकर तैयार होंगे। दाल को हम पानी में भिगो कर रख देंगे और इसे 3-4 घंटे तक इसी तरह से छोड़ देंगे। 3-4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि दाल अच्छी तरह से अंदर तक भीग चुकी है, मतलब कि दाल दही भल्ले बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब जिस पानी में हमने दाल भिगो कर रखी थी उस पानी से दाल को बाहर निकाल लेंगे। दही भल्ले बनाने के लिए आप सिर्फ उड़द की दाल का ही यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ उड़द की दाल यूज़ करने से दही भल्ले बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। हलवाई दही भल्लों में मूंग की दाल नहीं मिलाते हैं, यही रीज़न है कि उनके दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब दाल में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका जितना बारीक से बारीक पेस्ट हो उतना बारीक पेस्ट बनाना है। तो मैंने मिक्सर में इसे 3-4 मिनट तक ग्राइंड किया है और ये देखिए बिल्कुल चिकना, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी तरह से मैंने सारी दाल पीस ली है और ये देखिए बिल्कुल जैसे टूथपेस्ट चिकना होता है ना, उसी तरह का चिकना चिकना बैटर बनकर तैयार हो गया है। बैटर जितना चिकना होगा उतने ही स्पॉन्जी दही बड़े बनेंगे। अब इसमें एक चम्मच हम साबुत जीरा मिला देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच सफ़ेद नमक हम इसमें मिला देंगे। अब करीब एक चम्मच पानी के छींटे इसमें लगाएंगे और इस दाल को अब हम फेंटना शुरू करेंगे। अब जो स्पॉन्जी दही बड़े बनते हैं ना, उसका मेन सीक्रेट ये है कि इस दाल को हमें बहुत अच्छी तरह से करीब 6-7 मिनट तक फेंटना है। दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटें। एक ही डायरेक्शन में फेंटने से ये होगा कि दाल के अंदर हवा भरती जाएगी। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फेंटेंगे तो जो हवा भर चुकी है वो फिर हवा रिलीज होने लगेगी, इसलिए एक ही डायरेक्शन में फेंटें। फेंटते फेंटते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और जब आप इसे फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर गद्दे की तरह होता जा रहा है, मतलब कि एयर भरने की वजह से ये फूलता जा रहा है और साथ ही इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। अब हम एक दही भल्ला बनाकर देखेंगे। ये देखिए जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो ये एकदम से अलग हो जा रहा है और दाल अपने वॉल्यूम की करीब 1.5 गुना हो चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक दाल सेट हो रही है तब तक हम दही भल्लों के लिए पानी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक स्टील के भगोने में 1 कप के करीब पानी लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हींग मिला देंगे और 2 इंच अदरक को इस तरह से कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। अब इस पानी को 1 मिनट तक हम खौलने देंगे जिससे कि अदरक का पूरा जूस पानी में आ जाए। फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें पूरा ऊपर तक हम पानी भर देंगे। आधा चम्मच नमक इसमें मिला देंगे। अदरक को अब हम पानी से अलग कर देंगे। ये जो हींग और अदरक के फ्लेवर वाला पानी है ना, इससे दही बल्ले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब चलिए दही बल्ले बनाना शुरू करते हैं। 1 मिनट तक दाल को फिर से फेंट लेंगे। उसके बाद इस तरह से ऑयल में दही बल्ले गिराएंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि जब दही बल्ले गिरा रहे हैं तो इसमें बबल्स अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं। अब सभी दही भल्ले मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में कर देंगे। इसी के साथ हाथों से हल्के हल्के पानी के छींटे इसमें मार देंगे। ऐसा करने से दही भल्ले बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। अब एक कांटे या चम्मच की हेल्प से दही भल्लों को हम पलट देंगे दूसरी साइड से और ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं, कितने अच्छे गोल गोल दही भल्ले निकल कर आ रहे हैं। तो जो फेंटने में हमने मेहनत लगाई है ना, उसका रिजल्ट अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में ही रखना है। बहुत ही हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने करीब 3-4 मिनट इनको पलट पलट कर फ्राई कर लिया है और ये देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है। बस इनका कलर हल्का हल्का बादामी हो जाए तभी हमें इनको निकाल लेना है। दही बड़ों को हम लाल करते हैं पर दही भल्लों को हम बादामी कलर का ही रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है।
और एक कप दाल जो हमने भिगोई थी उससे अगर देखें तो टोटल 24 दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। ऑयल से निकालने के बाद दही भल्लों को ठंडा कर लेंगे 10 मिनट तक, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं तो हम गुनगुने पानी में इनको डाल देंगे। कभी भी गर्म दही भल्लों को आप पानी में नहीं डालें, नहीं तो फिर ये श्रिंक हो जाते हैं और ये मुलायम नहीं रहते। अब हम भगोने को ढक देंगे और इसके ऊपर कुछ हैवी सा वेट रख देंगे जिससे कि सारे दही भल्ले अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाएं। आधे घंटे तक इनको इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक दही भल्ले भीग रहे हैं तब तक हम मीठी चटनी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक कप पानी में 50 ग्राम गुड़ डालेंगे, 2 चम्मच सूखी खटाई और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर इसमें मिला देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए इस थिकनेस तक हमें चटनी को गाढ़ा करना है। मीठी चटनी के बाद हरे धनिया की चटनी भी बना लेंगे। तो मैंने एक मुट्ठी भरकर कटा हुआ धनिया लिया है। अब जितना धनिया लिया है उतने ही पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं। इसी के साथ 2 लहसुन की कलियां, 1/4 मीडियम साइज का प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच भरकर जीरा, 1/3 छोटी चम्मच नमक, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काला नमक और इसी के साथ 1/3 छोटी चम्मच के करीब चाट मसाला इसमें मिला देंगे। सभी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने एक बार मिक्सी में चलाकर इसे ग्राइंड किया है लेकिन ये अभी अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें और मिला देंगे और इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए चटनी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो चुकी है। दही भल्ले की टॉपिंग के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इस थिकनेस तक पतला कर लिया है। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक और हरे धनिया की चटनी मैंने ले ली है। आधे घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से दही भल्ले फूल चुके हैं। अब सबसे पहले नीचे वाले दही भल्ले निकालेंगे क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में डिप हैं और बहुत अच्छी तरह से पानी में भीग चुके हैं। हल्के हल्के हाथों से इनको निचोड़ लेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर ये टूट जाएंगे। छूने पर ही पता चल रहा है बहुत सॉफ्ट दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। एक प्लेट में इनको लगा देंगे। अब हम इसकी टॉपिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर दही डालेंगे। टॉपिंग में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो दही ज़्यादा मिला लीजिए, मीठा ज़्यादा पसंद है तो मीठी चटनी ज़्यादा मिला लीजिए। हरे धनिया की चटनी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही मिलाएं। मीठी चटनी आप अपने पसंद के हिसाब से मिला लें। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। जीरा भुनने के बाद एकदम फसफसा सा हो जाता है तो इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा रब कर दें और उसके बाद इसे दही भल्ले के ऊपर स्प्रिंकल करें। इसी के साथ सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारी दही भल्ले की प्लेट रेडी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कैसे दही भल्ले बने हैं। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह कट रहे हैं और टेक्स्चर इनका एकदम स्पॉन्जी है। रक्षाबंधन आ रही है तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।